नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। कल रात में हम भालुपुंग पहुंचे। सामने जो आप बंगलो देख रहे हैं, इसमें चार रूम्स हैं। यहां पर हम रुके, 600 रुपीज पर डे हमको टैरिफ पड़ा, वेरी रीजनेबल, नॉन एसी रूम्स। आप देखिए मार्च के महीने में कितना प्लेजेंट वेदर है यहां पर। मैंने गुवाहाटी में स्वेटर नहीं पहना था, लेकिन यहां पर सुबह 8:30 बजे मैंने स्वेटर पहना हुआ है। साथ ही में प्रशांति टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लेकिन लीज आउट टू प्राइवेट ग्रुप। यहां पर टैरिफ नॉन एसी रूम का 1700 रुपीज है। कॉटेज मैंने भी फाइंड आउट किया, उसके अंदर 4400 रुपीज टैरिफ है। ऑब्वियसली बेटर बिकॉज यू आर पेइंग मोर। आज सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट खाया प्रशांति रेस्टोरेंट में। मेरे को ब्रेड का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। अब कुछ देर हम लोग अपना टाइम 10-15 मिनट लगा के लगेज डाल लेते हैं गाड़ी में, और उसके बाद यहाँ घूमेंगे, फिर हम लोग टीपी जाएंगे और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आपकी जानकारी के लिए, भालुपुंग अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो अगर काफ़ी ट्रैवलर्स क्या करते हैं, असम घूम लेने के बाद कुछ टाइम अरुणाचल में तवांग जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ दी प्लेस। उसके लिए आपको ILP निकालना पड़ेगा, विच इज़ दी परमिट पास, उसके बाद आप यहाँ से तवांग जा सकते हैं। आज का दिन भी हम खूब इंजॉय करने वाले हैं। Let's have a great day. जैसे मैंने आपको बताया, वेदर यहां बहुत प्लेजेंट है। 5 किलोमीटर दूर है टीपी। अब जैसे ही हमने ILP दिखाया और हम अरुणाचल एंटर किया, वेदर तो प्लेजेंट है ही है, साथ ही साथ सीनिक व्यूज ऑसम है। ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी जो 5 किलोमीटर की है, हमको गाड़ी पे नहीं करनी चाहिए, पैदल करनी चाहिए। तो इसके लिए हम 2.5 किलोमीटर का सफ़र करके रुक ही गए। सामने देखिए, यहाँ पर इस रिवर को बोलते हैं कामिंग रिवर। कितना अच्छा लग रहा है रॉक्स के अंदर से नदी का भाव। वाकई में ऐसा लग रहा है कि यहाँ नीचे जाके बैठ जाओ 1-2 घंटे के लिए और इस कुदरत के नज़ारे को देखो, पहाड़, ग्रीनरी एवरीवेयर, दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आना बनता है, बहुत खूबसूरत। ऑर्किड रिसर्च सेंटर में मेरी मुलाकात मिस्टर विकास भौमिक जी से हुई है। सर, एक बार आप हमें हेल्प कर सकते हैं ऑर्किड रिसर्च सेंटर के बारे में बताने में? हाँ जरूर। ये ऑर्किड बिलोंग्स करता है ऑर्किडेसी फैमिली, जैसे लिलियम का होता है फैमिली। तो ये ऑर्किड दुनिया में 30,000 स्पेसीज पाया जाता है, ह्यूज है। तो इंडिया में इट इज़ अबाउट 1220 और अरुणाचल में नॉर्थ ईस्ट के अंदर में सबसे हाईएस्ट है, 600 है हाईएस्ट इन इंक्लूडिंग सिक्किम। सिक्किम इज इन सेकंड पोजीशन, बट अरुणाचल इज इन द टॉप मोस्ट पोजीशन विथ 600 स्पेसिस। हमारा पास दो टाइप का ऑर्किड्स होता है बेसिकली। एक होता है एपीफाइटिक ऑर्किड, जो दोज ग्रोज ऑन ट्री ट्रंक, एपीफाइटिक इट मीन्स ऑन फाइट मीन्स ट्री। और दूसरा होता है टेरिस्ट्रियल ग्राउंड ऑर्किड, जो लाइक अदर प्लांट्स इज ग्रोज ऑन सॉयल। तो एक वैनिला प्लानिफोलिया, ये वैनिला एसेंस वी यूज इन आइसक्रीम, चॉकलेट, कोक। ये ग्राउंड ऑर्किड होता है, टेरिस्ट्रियल ऑर्किड होता है, इसका बीन्स यूज होता है। तो बीन्स से वेनिलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सर, ये वेनिला बीन अगर मार्केट से परचेज करना हो कंपनीज को, तो इसका पर केजी रेट क्या होता है? अब इंटरनेशनल मार्केट में मोर देन 35,000 पर केजी होता है। ओह, वेरी एक्सपेंसिव। ऑर्किड में ये सामने थ्री वाला जो पेटल्स होता है, वन पेटल इज ऑलवेज हाईली मॉडिफाइड होता है, इट इज कॉल्ड लीप और लेवलम। और पीछे जो रहता है थ्री आर सेपल्स, सेपल्स आर ऑल्सो कलरफुल इन एन ऑर्किड। और थर्ड जो है ये कोलम है, दिस इज कॉल्ड कोलम। कोलम इज मेल एंड फीमेल ऑर्गन इज डिफ्यूज्ड इन एन ऑर्किड। एंड फोर्थ वन इज पोलन ग्रेन्स आर क्लस्टर्ड इन 2, 4, 6, or 8 एज कॉल्ड पोलिनिया। मिस्टर भौमिक ने हमारे को ऑर्किड रिसर्च सेंटर दिखाया, फ्लावर्स दिखाए, थैंक यू वेरी मच। और साथ में इन्होंने हमारे को ये दो बुक भी दिया, इसके अंदर ऑर्किड रिसर्च सेंटर के बारे में और यहाँ पर फार्मर्स गाइड है कि ऑर्किड को कैसे ग्रो करते हैं इस लीफलेट में। इसको हम घर जाने के बाद डिटेल में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
और आपकी मोस्ट वेलकम ग्रेट और आपकी पर्सनल नॉलेज ऑर्किड्स के ऊपर बहुत थॉरो है. थैंक यू अच्छा लगा आपसे मिलकर. धन्यवाद सर. दोबारा चलते हैं अभी. इस पूरे रीजन को टिप्पी बोलते हैं. गाड़ी से उतरकर हम लोग पैदल चल रहे हैं, सीनिक व्यूज एंजॉय कर रहे हैं इस तरह से ब्रिज के ऊपर. थोड़ी आपको चीज़ें मैं जानकारी के लिए बताता हूँ. जब आप अरुणाचल आएंगे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा. जिस जगह अभी हम खड़े हैं यहाँ से सेसा 14 किलोमीटर्स है, उसके आगे बॉमडिला, बॉमडिला के आगे दिरांग और उसके आगे त्वांग. तो नाइट स्टे काफ़ी ट्रैवलर्स बॉमडिला में भी करते हैं और दिरांग में भी करते हैं. 10-15 मिनट अभी यहाँ घूमते हैं, सीनिक व्यूज एंजॉय करते हैं, फिर हम रिवर्स जाएंगे 12-15 किलोमीटर्स. हम अभी अरुणाचल असम बॉर्डर पर हैं, भालूपोंग. मेरे को किसी ने बताया था कि नॉर्लिंग पे आप मोमोज खाना आपको बढ़िया लगेंगे. अंदर जा रहे हैं, सामने जो आप गेट देख रहे हैं उस पार चले जाएंगे तो असम. मैंने अपने लिए चिकन मोमोज लिए हैं. देखने में चिकन मोमोज का टेक्सचर बहुत शानदार है. साथ में इन्होंने ना चटनी भी दी है, लेकिन मेरा गला आज सुबह से नासाज है, आप आवाज़ से फील कर सकते हो. यहाँ पर ट्रेंड क्या है, साथ में सूप देते हैं. बहुत शानदार. इस मोमो में खास बात क्या है, मिर्च बिल्कुल नहीं है, नमक सिर्फ इतना है कि आपको महसूस हो कि इसके अंदर नमक की कमी नहीं है. और सही मायने में बोलेंगे तो चिकन के अलावा इसमें सिर्फ प्याज को छोटा छोटा काट के डाला गया है, नथिंग एल्स. चिकन टेस्ट के साथ साथ ना ये बाहर की जो स्किन है ना बहुत स्मूथ और फ्रेशली कुक्ड. तो कुल मिला के बिल्कुल मैं परफेक्ट जगह आ गया. सूप भी साथ साथ लेंगे. ओ गॉड, भयंकर. इसके अंदर हैरानगी की बात यह है नमक नहीं है. बड़े जमाने बाद मैं कोई भी ऐसी फूड आइटम, मतलब सूप या जस्ट एनीथिंग, बिना नमक के एंजॉय कर रहा हूं. मेरे को नमक डालने की इसमें जरूरत महसूस नहीं हो रही है. क्या शानदार टेस्ट है. एक बात मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं, इस सूप को तैयार करने में बड़ी मेहनत की गई है. ये कोई ऐसा सूप नहीं है जिसको आधे घंटे 15 मिनट में तैयार कर दिया गया, ये बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है. दिस इज वेरी टेस्टी. मेरे साथ इस शॉप की ओनर खड़ी है. मुझे बताओ आपने इतना स्वाद मोमोज और चिकन सूप कैसे बनाया. सूप तो मैं रात 3 बजे से खड़ा होती हूँ, 3 बजे से उठती हूँ, तब जो सुबह 7 बजे में सूप बॉल होते होते सूप रेडी होते हैं, रेडी होने में इतना समय लगता है. अच्छा. और मोमोज के लिए मैं थोड़ा टेस्ट होने के लिए सोया सॉस थोड़ा देती हूँ. वाकई मजा आ गया, मतलब बड़े जमाने के बाद में इतना टेस्टी मोमोज खाए हैं आपके यहाँ. आपके यहाँ आकर धन्यवाद. थैंक यू. इस समय हम भालूपोंग से काजीरंगा के रास्ते पर हैं. हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आप नामेरी नेशनल पार्क देख रहे हैं. मैप में जो आप रिवर देख रहे हैं इसका नाम है जिया भरोली रिवर. ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश से आती है, वहां पर यह कामेंग के नाम से जानी जाती है. आगे चलकर यह ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है. इस सफर में आप दो एक्टिविटीज कर सकते हैं, रिवर क्रॉस करिए और नामेरी नेशनल पार्क में आप ट्रैकिंग कर सकते हैं. साथ ही साथ यहां पर आप रिवर राफ्टिंग भी एंजॉय कर सकते हैं. हम यहां पर नहीं रुक रहे, हम आगे काजीरंगा की ओर बढ़ रहे हैं. पहले चलकर लंच करेंगे और उसके बाद नाइट स्टे एट काजीरंगा. नामेरी फॉरेस्ट से 1 किलोमीटर पहले इस समय हम आए इको कैंप में लंच करने के लिए.
अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने लंच में अपने लिए क्या क्या मंगवाया। स्टार्ट करते हैं यहां से। सामने जो आप देख रहे हैं ये है भांगोन फिश। ये साइज में ना छोटी रहती है। इसको कुक किया गया है ओटेंगा के साथ। इसको इंग्लिश में बाटा फिश भी कहते हैं। कोसुबली अंजा, मुझे बताया गया यहां पर डिफरेंट किस्म और बहुत सारी वैरायटीज होती हैं कोसु के अंदर। हमारे सामने एक वैरायटी है याम, जो स्टेम आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर में है। इसके अंदर एक ग्रीन कलर स्टेम भी रहता है। फिलहाल दिस इज यूज्ड इन कुकिंग ऑफ दिस थिंग जो आपके सामने है। ये दाल है जिसके अंदर ना खड़ीसा का इस्तेमाल किया गया है। खड़ीसा मतलब बैम्बू शूट। ये छोटा छोटा काट के इस्तेमाल किया, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। साथ में आपको दिखाने के लिए ना मैंने खड़ीसा भी मंगवाया। इस तरह से देखिए सामने आपका ये बैम्बू शूट है जो काट के रखा हुआ है हरी मिर्च के साथ। पत्ता गोभी, गाजर की भाजी। पहले सब्जी खा लेते हैं उसके बाद फिश खाएंगे। ये ना छोटा आलू का खास तौर पे मेरे को टेस्ट बड़ा पसंद आने लगा है जब से मैं यहाँ पर खा रहा हूँ। यहाँ पर खाना खाते खाते ना सबसे पहले समझ में आता है फूड सिंपल है, कोई हैवी मसाले का पूरे असम में रोल नहीं है। सेम थिंग अप्लाइज हेयर ऑल्सो। वैसे तो इसका कंपैरिजन किसी और चीज के साथ करना गलत होगा, लेकिन फिर भी कह सकते हैं जो सरसों का साग होता है ये उसका दूर का कजन है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। मैंने दूर का इसलिए बोला कि वही एक अकेली चीज है जिससे मेरे को लगा कि मैं रिलेट कर सकता हूं। छोटा आलू को एज अ स्नैक भी आप बहुत एंजॉय करोगे। तो मुझे लगता है ये एनी टाइम मील / एनी टाइम स्नैक। मुझे यहाँ आके ही ना रियलाइज हुआ कि दाल और बैम्बू शूट भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। थोड़ा थोड़ा महक बैम्बू शूट की दाल के अंदर आ गई, तो स्लाइट चेंज तो फ्लेवर में हो गया। वैसे भी दाल मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। यहाँ के मैं देख रहा हूँ कि हर मील में दाल कंपल्सरी। अगर आपने आज से पहले ओटेंगा नहीं खाया, एलिफेंट एप्पल, इसको स्लाइस करके जो डिश में डालते हैं थोड़ा सा खाओ, जो मुंह में बच जाए उसको बाहर निकाल दो अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा च्यूई है तो, अदरवाइज सॉफ्ट है तो खा सकते हो। यहाँ के मैंने देखा काफ़ी लोग क्या करते हैं, ओटेंगा का जूस निकालते हैं और उसको दाल में मिक्स करके एज ए रेसिपी खाते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेरे को इस तरह से छोटा फिश खाने की प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि बोन्स रहती हैं, तो थोड़ा मेरे को सीखना पड़ेगा हाउ टू ईट दिस। वैसे ना ये बाटा फिश का फ्लैश है तो मजेदार। लंच हमने कर लिया है। यहां पर आए हैं ना तो मैंने इनको बोला हमको आप अपने कॉटेजेस दिखा दो, तो सामने जा रहे हैं देखने के लिए। ये जगह मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि विलेज का फील भी है और थोड़ा सा मॉडर्न एमेनिटीज भी हैं, तो दोनों का नाइस मिक्सचर। अच्छा अच्छा लग रहा है इस तरह से टेंट के अंदर आना। दो बेड्स, बैम्बू फॉरेस्ट की फील और बाथरूम। बाथरूम भी सही है, गुड, नीट एंड क्लीन, नाइस प्लेस। मैंने अभी आते हुए फाइंड आउट किया 3000 रुपीज इसका पर डे टैरिफ है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। वैसे वहां जा रहे हैं क्या अदरवाइज? हाँ जा सकते हैं। अच्छा ये क्या कर रहे हैं, लीव्स कलेक्ट? लीफी वेजिटेबल्स निकाल रहे हैं। एक बार चल के बात करेंगे। हाँ श्योर। नमस्कार, ये आप क्या कर रहे हो? मसूम खाट। तो आप इसकी सब्जी बनाकर खाते हो? बॉईल करेंगे, बॉईल करके उसको खाएंगे। ओ वाह, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं सर? पिग्मी हॉक कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर सर।
सर ये पिग्मी हॉक्स है सर, सबसे छोटे स्पीसीज का वाइल्ड पिग, ये थोड़ा छोटा साइज का है, मैक्सिमम 9 किलो इनका होता है। तो अभी ये सिर्फ असम में ही मिलता है, मानस नेशनल पार्क, ओडांग नेशनल पार्क और बुरोई रिजर्व में मिलता है सर। यहाँ पे इनका ब्रीडिंग हो रहा है सर, इनको ब्रीथ कराते हैं, उसके बाद इनको ले जाके फॉरेस्ट में छोड़ते हैं सर। तेजपुर से आप 20-25 मिनट आउटस्कर्ट्स में जाएंगे ऑन वे टू काजीरंगा, तो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्रिज आता है 3 किलोमीटर लंबा, उस जगह बोट पे आपको लेके जाते हैं डॉल्फिन दिखाने के लिए। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको शाम को 4 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। फाइनली हम काजीरंगा एंटर कर चुके हैं, 7:30 बजे का टाइम है, 1 घंटा लगेगा हमारे को लॉज पहुंचने में। रोड बहुत ऑसम है, अगर आप अपनी गाड़ी पे आएंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ओवर स्पीडिंग पे 5,000 रुपीज का फाइन है। इस समय हम फॉरेस्ट के बीच से गुजर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, ये जर्नी बेहतर रहेगा अगर आप डे टाइम पे करें, क्योंकि जगह जगह मैं देख रहा हूँ एनिमल कॉरिडोर लिखा हुआ है, विच क्लियरली मीन्स कि एनिमल रोड क्रॉस करते हैं तो एनिमल विजिबिलिटी के चांसेस बहुत हाई हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप इस तरह से जर्नी करेंगे तो खुदा ना खास्ता गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो देर इज सम एलिमेंट ऑफ रिस्क दैट्स इन्वॉल्व्ड, तो दैट इज अनदर रीजन कि ये जर्नी डे टाइम पे करनी चाहिए। अब हम लगभग 8:30-9 बजे काजीरंगा पहुंचेंगे, फिर आगे की जर्नी प्लान आउट करते हैं कल हमें क्या क्या करना है। काजीरंगा में हमारा आज का डिनर एट हॉर्नबिल रेस्टोरेंट, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, 9:30 बजे का टाइम है, हमारे पास थाली आ चुकी है। मैं आपको बताता हूँ ये हमारे लिए। जी हाँ सर, आपके लिए। अरे बाई गॉड, मुझे तो लग रहा था कि थाली में इतना सब आइटम ऑलरेडी हो गया और ये तो आप कितना 5-6 चीज और ले आए हो। और कुछ आने वाला है सर। तो आप लोग कितना आइटम होता है थाली में? ऑलमोस्ट 20-30 ऑलमोस्ट। गॉड थैंक यू। सबको पहले बाहर निकाल लें। ये राइस वैरायटी का क्या नाम है? आइजुंग। आइजुंग याद आ गया मेरे को। ये आइजुंग आइजुंग राइस मैंने खाया था जब मैं पोआ मक्का में था, तो वहां पर मेरे को बड़ा पसंद आया था इसकी वैरायटी। वेरी गुड। इन्होंने मुझे बताया आइजुंग राइस की ये पॉलिश्ड वैरायटी है। जी हाँ। घर जैसी दाल है। जी हाँ सर। इससे अलावा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बड़ा होमली टेस्ट है। दाल तो ये भी अच्छी बनी है। देखो इससे पहले जो मैंने मसूर दाल खाई ना सर, वो मेरे को ज्यादा स्वाद लगी। स्क्वॉश स्लैश इस्कुस स्लैश चाउ चाउ, ये आप देखिए, आपको दिखाने के लिए मैंने मंगाया। सिक्किम में मेरे को बहुत पसंद आया था, इसकी तो मैं तारीफ करते नहीं रुक रहा था, मेरे को आज भी याद है और मेरा बहुत मन था कि मैं इसको मैं दोबारा खाऊं और मौका मिला मुझको नॉर्थ ईस्ट में। ये वेजिटेबल बहुत शानदार है, बड़ा मस्त टेस्ट इसका होता है। अगर मैं थोड़ा सा सिक्किम के टेस्ट को बेंचमार्क करूँ ना, वो टेस्ट मेरी जुबान पे है, तो ये समहाउ उतना मेरे को फिट नहीं लग रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। इसका टेस्ट मुझे सिक्किम में बहुत इंजॉय हुआ था। रोंगोलाओ पित्तिका पम्पकिन, बताओ कितनी कितनी सारी वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं वन आफ्टर द अदर। आज तो मतलब क्या है बोलेगा कि काजीरंगा में पहुंचते ही हमारे लिए एक तरह से पार्टी टाइम। मतलब क्या बोलेगा, इतना शानदार पम्पकिन बनाया है, इतना शानदार बनाया है, कमाल है। किसी भी रीजन की वजह से बैंगन फ्राई अगर आपको नहीं पसंद तो इस तरह की प्रिपरेशन आप खा लो, आपकी ना पसंद पसंद में कन्वर्ट हो जाएगी।
आज तो हर चीज डिश बाय डिश में इतना एंजॉय कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरे फूड को खत्म करने में मुझे कम से कम एक घंटा चाहिए। जिसका मतलब ये है कि आपका रेस्टोरेंट कितने बजे बंद होता है? 10 बजे। आज आपको कम से कम आधा पौना घंटा हम लोग के लिए थोड़ा एडजस्ट करना होगा, तो हम और ज्यादा एंजॉय करेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। और मेरे को आप सर दाल मंगवा दीजिए, ठीक है। और अब मैं इसको धीरे धीरे फिनिश करता हूँ। बाकी लग रहा है मेरे को कि अगर प्रीवियस मील स्किप कर देंगे तो बेहतर है इस तरह के लेविश डिनर या लंच को इंजॉय करने के लिए। जल्दी मिलेंगे नया एपिसोड काजीरंगा, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून। अगले एपिसोड में आप काजीरंगा नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ देखेंगे। जंगल में जाकर जीप सफारी करना, व्हाट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। काजीरंगा में हमने कल्चरल प्रोग्राम भी देखा और खूब एंजॉय किया। इसके बाद हम माजुली भी गए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। बहुत फन और एक्साइटमेंट है आगे की जर्नी में। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।